जब 20 वर्ष पुराना हमें ग्रेड पे दिया जा रहा है, 2016 में 7 पे कमीशन का लाभ आया, 20 वर्ष पहले का जो ग्रेड पे 1300 था उसके बाद जो है सरकार ने पुनरीक्षित वेतनमान लागू किया ग्रेड पे 1800, 5220,200 का स्केल लागू किया। सरकार ने समझा ना कि अब कर्मचारियों की जीविका नहीं चलेगी, तब उन्होंने ग्रेड पे लाए, वो ग्रेड पे पर उन लोगों को दिया गया। उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आया तब जीविका नहीं चल पाएगी, तब 7 पे कमीशन का लाभ आया। हमारे लिए भी तो महंगाई है, हमारे लिए कोई है तो ऐसी सरकार के द्वारा व्यवस्था कराई जाए कि हम ग्रेड पे 1300 के कर्मचारी, हमारे लिए कपड़ा रोजी रोटी हर चीज जो है हम लोगों को वहां पर उपलब्ध हो सके। भाई एक आईएएस ऑफिसर को 20 रुपए किलो अगर मार्केट में आलू मिल रहा है तो हम 1300 ग्रेड पे वाले को भी तो 20 रुपए में मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, कौन सी चीजें हमें सस्ती मिल रही हैं? हम अपने बच्चों को सही तरीके से पढ़ा नहीं पा रहे हैं, बूढ़े माँ बाप को अगर थोड़ी गंभीर बीमारियां पकड़ ले रही बुढ़ापे में तो हम उनका सही तरीके से इलाज नहीं करा पा रहे। महीने के एंड में कर्मचारी की जेब में 500 रुपया नहीं रह जाता है, नहीं रह जाता है। क्योंकि प्रदेश के 75 जिले से कर्मचारी लखनऊ में आ करके जीवन यापन कर रहा है। हम चाहते हैं हमारे स्मारक समिति के कर्मचारी लगभग 5 से 7 हजार रुपए कमरे का किराया देते हैं, उसके बाद बच्चों की पढ़ाई लिखाई और पूरी टोटल किचन से संबंधित सामग्रियां, दवाई गोलियां और 2 पैसे बचत करने के लिए आए हुए हैं। अगर नौकरी करने आए हुए हैं तो ये बताइए कैसे जीवन यापन चलेगा ग्रेड पे 1300 में। पिछले वर्ष 2023 में हम लोगों ने जब 1090 पर लाठियां खाई, आंसू गोले खाए, तब हम लोगों का डीए इंक्रीमेंट और वेतन वृद्धि लागू हुआ। वेतन वृद्धि ग्रेड पे 1400 के कर्मचारियों को जो दिया गया उसको भी जुलाई माह में 2023 यह बताकर के रोक दिया गया कि जो आपका मूल वेतन है 4440 उस बेसिक पे से आपकी वेतन वृद्धि की जो धनराशि है वो प्लस हो रही है, हम इसको रोक रहे हैं। सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि जिस शासनादेश को लगाया है वो शासनादेश 2006 या 8 का है शायद, उस शासनादेश का हवाला देते हुए इन्होंने वेतन वृद्धि को रोक दिया, उसके लिए शासन से कहीं मंजूरी नहीं ली। अब हमारे पुनरीक्षित वेतनमान को लागू करने के लिए इन्हें शासन की मंजूरी चाहिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ अपने स्मारक समिति के वो 12 बोर्ड मेंबर से कि जो बोर्ड मीटिंगें होती हैं वो बोर्ड मीटिंगों में जो कर्मचारी हित में निर्णय लिए जाते हैं उन निर्णयों को लेकर के उनकी फाइलें बना करके शासन स्तर पर लंबित करने के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन जो मेंटेनेंस के लिए सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 100 करोड़ 150 करोड़ रुपया मेंटेनेंस के लिए बजट दिया जाता है, वही 12 बोर्ड मेंबर वो मेंटेनेंस के पैसे के लिए जो है मेंटेनेंस कराने के लिए प्रस्ताव पास कर देते हैं, वो मंजूर हो जाता है, उसको भी शासन स्तर पर जो है भेजे मंजूरी के लिए, उसको नहीं भेजा जाता है, उसको भी भेजना चाहिए ना। लेकिन ये 12 के 12 बोर्ड मेंबर मिल करके और हमारे सबसे ज्यादा कष्टों में अगर अधिकारी कहा जाए तो आ धरने का आज 43वां दिन हो गया है जी जी। अब तक क्या हुआ है, क्या प्रशासन के द्वारा कोई बात हुई है, नहीं हुई है, क्यों बताएंगे? देखिए सर, अभी तक हमारी कोई भी बात नहीं हुई है, क्योंकि कोई भी उच्च अधिकारी हमारी सुध लेने अभी तक नहीं आया है, और हम लोग यही अपेक्षा कर रहे हैं कि आज 43 दिन हो गया, हम लोगों की जो मांगे हैं बहुत ही सामान्य मांगे हैं। अब पुनरीक्षित वेतनमान हम लोग मांग रहे हैं, पुनरीक्षित वेतनमान पूरे प्रदेश में ख़त्म हो चुका है, तो जो है 1400 ग्रेड पे वालों का, हमारे कर्मचारियों का इंक्रीमेंट रोक दिया गया है, तो हमारा एनपीएस खाता नहीं खोला गया है, चिकित्सा अवकाश हम मांग रहे हैं, ये इतने सामान्य मांगे हैं कि इनको जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए, और इसीलिए हम लोग धरने पे बैठे हैं। और देखिए सर, हमें तो पता नहीं क्यों इस, चूँकि सरकार की मंशा भी हम लोगों को साफ नहीं नज़र आ रही है, चूँकि जो हमारा एनपीएस खाता है जिसमें हमारी लगभग 12 साल से कटौती चल रही है 10% की, तो ये इसमें सरकार का जो है अगर
चूंकि सरकार की तरफ से जो योगदान अगर आ रहा है वो हमारे हमारे खाते में अगर जमा हो जाए और जो हमारी हमारी कटौती है वो हमारे खाते में जमा हो और उस पर इंटरेस्ट रेट जो लग रहा है समय समय पे वो हमारे खाते में जमा हो, तो इससे हमारे अधिकारियों को या हमारी सरकार को नुकसान नहीं है, क्योंकि वो फंड का पैसा है और हमारा फंड का पैसा हमारे रिटायरमेंट के बाद हमको मिलता है, उससे पहले उसी उसका जो है सरकार ही इस्तेमाल करती है, उसके बदले हमको इंटरेस्ट रेट मिलता है, तो सरकार को उसमें एक रुपये का कोई योगदान एक्स्ट्रा नहीं देना है। और उसके बाद जैसे चिकित्सा अवकाश है, चिकित्सा अवकाश में हम लोग जैसे मान लीजिए हम लोगों का हाथ पैर टूट जाता है तो उसके लिए हम लोगों को अवकाश चाहिए अपने इलाज कराने हेतु, तो उसमें हमको सरकार को अपनी तरफ से कोई वित्तीय जो है भार नहीं आने वाला है, वो हम सिर्फ चिकित्सीय अवकाश इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि हमारा इलाज हो सके समय पर। तो इसमें जो है सरकार अगर शासन, चूंकि हम सरकार का नाम इसलिए ले रहे हैं बार बार, हमारी नियमावली में ये दर्ज है कि शासन का तात्पर्य सरकार से होगा, तो इसलिए हम सरकार भी कह रहे हैं और शासन भी कहेंगे, चूंकि अगर हमारी फाइलें शासन में लंबित हैं तो उन लंबित फाइलों का 12 वर्षों से जो लंबित फाइलें हैं उनका निस्तारण जल्द से जल्द होना चाहिए, और अगर नहीं हो रहा है चूँकि सरकार की ही ये मंशा पहले से रही है, उनका आदेश निर्देश भी रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि एक हफ्ते से तीन से सात दिन के अंदर फाइलों का जो है निस्तारण हो जाना चाहिए, तो क्या ऐसा कारण है कि 12 वर्षों से हमारी फाइलें शासन में लंबित हैं और उनका निस्तारण आज तक नहीं हो पाया? ये बहुत बड़ा प्रश्न है माननीय मुख्यमंत्री जी के जो है आदेश और उनके जो कार्य हैं, जो उनका व्यक्तित्व है, उसके प्रति बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि इतने 43 दिन से कर्मचारी गुहार लगा रहा है, यहाँ पे जो इंटेलिजेंस यूनिट है उसकी रिपोर्ट भी उनके पास जा रही होगी, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों के स्तर से भी उनके पास रिपोर्ट जा रही होगी, आपकी मीडिया चैनल के माध्यम से भी उनके पास रिपोर्ट जा रही होगी, उनको इस बात की जानकारी होगी, यह 100% हम लोग ये मानते हैं, फिर इन चीज़ों पर निराकरण निस्तारण क्यों नहीं हो रहा है? जब इसमें स्पष्ट हो गया है कि 800 करोड़ का घोटाला हुआ है, चूँकि अगर घोटाला नहीं हुआ है तो फिर हमारे अधिकारियों को खाता खोल के हमारे खाते में वो पैसा जमा करने में क्या दिक्कत आ रही है? अभी जैसे हम लोगों के पास जानकारी मिली है, जो पहले 2021 में हमारे प्रकरण ये घोटाले का खुलासा हुआ था, उसमें पेपर में बाकायदा जो है लगभग 2-3 महीने तक पेपर में खबरें आई थी, इन्होंने फिल्म सिटीज में पिक्चर बनाने के लिए इन्होंने जो है पैसा इन्वेस्ट कर दिया, इस तरीके का घपला जो है हमारे वेतनमान से हुआ है और उस पर कोई जांच नहीं बैठाई जा रही है, कोई जांच नहीं हो रही है और हमारा खाता नहीं खोला जा रहा है, तो कर्मचारी ये मान के चल रहा है कि इसमें शासन स्तर से भी संलिप्तता है, अगर नहीं है तो शासन इस पर पूर्ण जो है निष्कर्ष और निस्तारण क्यों नहीं कर रहा है? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, चूँकि वो हमारे भविष्य निधि का पैसा है, उसी भविष्य निधि का पैसा जिस जो हम रिटायरमेंट के बाद जाएंगे यहाँ से, तो हम अपने बच्चों को अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे, अपने बुढ़ापे को जो है सही तरीके से निभा पाएंगे, जो गुजार पाएंगे उसके लिए एक सहायता राशि जो होती है जो हमारे फंड के रूप में काटी जाती है वो हमको मिलती है, तो हमारा वर्तमान तो खराब किया गया, हमारा भविष्य भी खराब करने की पूरी योजना हमारे अधिकारियों ने बना रखी है और हमारी सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है, हमारे शासन स्तर के उच्चाधिकारी इस पर शासन नहीं ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये हमारे लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और ऊपर से हमारे ऊपर कार्रवाई पे कार्रवाई की जा रही है। अगर हम कह रहे हैं हमारा खाता खोल दिया जाए तो हमको सस्पेंड किया जा रहा है, हमको नोएडा ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है, हम इतने कम वेतनमान में पहले से ही कार्यरत हैं और ऊपर से हमको नोएडा जैसी महंगी सिटी में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, हमको एक भी रुपये यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा, हमको वहाँ रहने का कोई भत्ता, सिटी अलाउंस हमारा पहले से ही ख़त्म किया जा चुका है, हम किस प्रकार से वहाँ पर गुजारा करेंगे? तो इस तरीके की बहुत सारी विषमताएँ हमारे कर्मचारियों के बीच में है, जिसको लेके कर्मचारियों के अंदर रोष है और हम लोग 43 दिन से बैठे हैं और हम लोग अब बैठे नहीं रहेंगे, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे
अब कैसे जाएंगे हम लोग? ऐसे जाएंगे हम लोग, किसी को बताएंगे नहीं। 5000 कर्मचारी हमारे लखनऊ में कार्यरत हैं और हम लोग गुप्त रूप से जाएंगे और अचानक हम लोग पहुंचेंगे। हम लोग को चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाने से रोका जा रहा है, हमको प्रशासन की तरफ से रोका जा रहा है, हमारी बातें सही तरीके से उनके पास तक नहीं पहुँचाई जा रही। हम अपनी बातें कहने के लिए उनके पास जाएंगे और हर हाल में जाएंगे, किसी भी तरीके से जाएंगे और अपनी बात वहां तक हम पहुंचा के ही रहेंगे। और इनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए, इनको आजीवन कारावास की सजा हो, क्योंकि इन्होंने 5300 कर्मचारियों के घरों में डकैती डालने का काम किया है। इन पर तो FIR ही नहीं, केवल इन पर देशद्रोही का मुकदमा भी लगना चाहिए। आप लोग FIR दर्ज करवाएंगे? 5300 कर्मचारियों के घरों में डकैती डाली। अभी स्मारकों में आपके कर्मचारी काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल, स्मारक का कर्मचारी काम कर रहा है, अपने प्रतिदायित्व का निर्वहन करते हुए धरना स्थल पर उपस्थित होते हैं। देख सकते हैं आप, हजारों कर्मचारी हमारे यहाँ उपस्थित होते हैं, पर डे उपस्थित होते हैं, क्योंकि हमारा कर्मचारी अब जग गया है। अब एक दिन का वेतन काटो या एक महीने का काट लो, अब हम कर्मचारी हमारे इतना जग चुके हैं कि अब हम तभी पीछे हटेंगे, हमारी मांगों पर फैसला करेंगे। 12 वर्ष होने जा रहे हैं नौकरी करते हुए, हमारे सेवा नियमावली में 2 वर्ष के बाद परीक्षावधि के उपरांत वो स्थायी मान लिए, एक स्थायीकरण पत्र नहीं जारी किया गया, सामूहिक एक स्थायी पत्र जारी कर दिया जाए, 7वें वेतन मान का भी लाभ दिया जाए, 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरांत ACP का लाभ मिलना चाहिए, 13 वर्ष होने जा रहे हैं, 3 वर्ष के बाद दीपी पदोन्नति हो जाएगी हम लोगों की, तो हम लोग तो वैसे भी नीचे जा रहे हैं। जब ग्रेड पे 20 वर्ष पुराना दिया जा रहा है, ग्रेड पे जो 1300 और 1400 है वो 20 वर्ष पुराना है, सोचिए हम 20 वर्ष पुराना जीवन यापन, हमारा 20 वर्ष पुराने वेतन में कैसे हम अपनी परिवार की जीविका चला सकते हैं? मंत्री सरकार ने इस चीज को जाना ना कि कर्मचारियों का आप 1300 ग्रेड पे जीवन यापन नहीं होगा, तभी जाकर के उन्होंने निश्चित वेतनमान लागू किया। हम ये बता दे आपको, ये हमारी मांगे अगर पूरी नहीं होती है 31 जनवरी तक, तो यहाँ पर जो बैठा हुआ पुलिस प्रशासन है और बैठा हुआ LIU ऑफिसर, इनको कानों कान खबर नहीं होगी। हम 31 जनवरी के बाद टुकड़े टुकड़े में, सिर्फ हमारे कर्मचारियों को पता होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आवास कितने बजे और किस डेट में घेराव करना है। मैं याद दिलाना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को कि 2014 में स्मारक समिति के वो कर्मचारी हैं कि 1090 चौराहे को भी जाम किया, 1947 के बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई 1090 का चौराहा जाम करने की, और उस समय भी हमने लाठियां खाई थी, उस समय भी आंसू गोले खाए थे, तब जाकर के हमारा DA इंक्रीमेंट लगा है। और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आवास घेराव करेंगे। 4300 कर्मचारी है चतुर्थ श्रेणी का स्मारक समिति में, तो 4300 की संख्या कितनी होती है वो आकलन कर सकते हैं। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, हमारी 31 जनवरी तक मांगे पूरी नहीं होंगी, तो हमारी अगली रणनीति डेट हम ना आपको बताएंगे, न प्रशासन को बताएंगे, न सरकार को बताएंगे, न यहाँ पुलिस प्रशासन को बताएंगे, न यहाँ के LIU को बताएंगे, हम टुकड़े टुकड़े में माननीय मुख्यमंत्री आवास को।